आज ये मेरे पास 4 मॉडल पावर प्लग है, ये मॉडलर है का दोस्तों यूज हम लोग एसी में करने वाले हैं। इसमें हमारा ये एक 32 का एमसीबी है सी टाइप, और ये दोस्तों ये हमारा 16 एम्पियर पावर प्लग है। ये हमारा मॉडलर है, मॉडलर का इस तरह ये कवर रहता है और ये दोस्तों ये इस तरह बाहर निकल जाता है। आइए दोस्तों इसका वायरिंग करना हम सीखते हैं, इसका वायरिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस साइड में आप देख पा रहे होगा हमारा सॉकेट का राइट वाला जो होता है हमेशा फेज होता है, इसमें हमें फेज कसना पड़ता है। दोस्तों हम एमसीबी से आउटपुट लेंगे, यहाँ हम स्विच यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्विच हमारा एसी में जल जाएगा, इसीलिए हम एमसीबी यूज कर रहे हैं। ये हमारा 32 एम्पियर एमसीबी है। यहाँ से दोस्तों हम अपने सॉकेट में आप देख पाइएगा किसी भी सॉकेट में एल का पॉइंट रहता है। अगर आप सॉकेट को सीधा कीजिएगा सामने की तरफ से तो आपको राइट साइड में हमेशा फेज का पॉइंट रहता है, आपको फेज का पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आउटपुट निकलेगा एसी का वो हमारा एमसीबी के थ्रू फेज निकलेगा। ये हमारा फेज यहाँ कनेक्ट हो जाएगा जो कि हमारा डायरेक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे चला जाएगा जो कि हमारा एमसीबी बॉक्स होगा। आप यहाँ पे एमसीबी के जगह स्विच भी यूज कर सकते हैं, पर स्विच जल्दी खराब हो जाता है इसलिए हम यहाँ पे स्विच यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। न्यूट्रल हमारे सॉकेट के लेफ्ट वाले साइड में होता है और आपको न्यूट्रल लिखा हुआ एन लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा। ये हमारा दोस्तों न्यूट्रल हो गया। उसके बाद दोस्तों बॉडी अर्थ हमें कनेक्ट करना है जो कि हमारा सॉकेट का बीच वाला पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट आप बॉडी अर्थ जब भी घर में वायरिंग करवाए तो बॉडी अर्थ जरूर लगवाए ताकि सेफ्टी रहे। बॉडी अर्थ से हमारा करंट फॉल्ट नहीं होता है, बॉडी वगैरह में करंट नहीं आता है। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा बॉडी अर्थ हो गया और ये हमारा फेज हो गया। इस तरह दोस्तों किसी भी पावर प्लग में हमारा 3 ही वायर कनेक्ट होता है, बोर्ड का हो या एसी का हो। ये हमारा एमसीबी से अब ऑन ऑफ होगा। आप यहाँ पे स्विच भी यूज कर सकते हैं। ये 4 मॉडल है, हमारा सॉकेट 2 मॉडल होता है और ये हमारा एमसीबी 1 मॉडल है और एक हमारा खाली है, इसलिए हमने ब्लैंकर यूज किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।